तो हेलो गाइस, हो चुके एक नए वीडियो की शुरुआत। और नए वीडियो की शुरुआत हो रही है बहुत दिन बाद। तो उम्मीद आप आज घर पे ही हैं। कल तक शादी में थे दो तीन दिन डीजे में, और आज हम घर पे। तो आज मौसम हो रखा है चेंज, बादल लगे हुए हैं, और हम जा रहे हैं नदी की साइड में ओपल्ली छाल वहाँ पे। और मेरे साथ भाई है, और मेरे हाथ में है ये बाल्टी। तो फिलहाल हम नदी के पार जाएंगे वहाँ पे, इस वाले पेड़ पे। ये सहतूत का पेड़, और इससे लाएंगे हम सहतूत चटनी बनाने के लिए। तब की बार जब नदी आई थी तो नदी उलट पुलट हो गई, और पानी सब नदी का जो पानी है वो पूरा रिसाव हो रहा है उसका नीचे। और आज अब की बार नदी में पानी भी कम हो गया, ये बहुत कम पानी हो गया है। और ये हमारी बचिया है, तो नदी में लकड़ियाँ रखी हुई है। तो जो लोग पहाड़ से हैं उनको तो सब पता है, पर जो बाहर से उनको बताना चाहता हूँ कि ये है भीमल की लकड़ियाँ। इनको यहाँ पानी में ऐसे स्टोर किया जाता है एक दो महीने के लिए, और उसके बाद इनसे निकाली जाती है इनकी बाहर की परत, और तब बनते हैं ये। तब इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं क्याड़े, और ये होते हैं आग जलाने के काम। जैसे कई जगहों पे छिल्ले का यूज होता है, तो हमारे यहाँ इनका यूज होता है। ये ऐसे रखे रहते हैं पानी के अंदर। तो फिलहाल ऐसा मौसम हो रखा है आज। तो पहुँच चुके हैं पेड़ के नीचे, और यहाँ पे निकाले जा रहे हैं सहतूत। और इनकी जब चटनी बनती है खट्टी मीठी चटनी, बहुत मस्त होती है। ये इनको हम बेरी भी बोल सकते हैं, एक प्रकार की बेरी है ये। और जो ये काले काले हो गए हैं ब्लैक कलर के, ये वाले मीठे होते हैं हल्के हल्के। ये तोड़े जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये है, और बढ़िया हो रहा है ये वाला। मेरा काम है खाने का। और इनका काम है स्टोर करने का, बाल्टी भर के ले जानी है। चटनी बनेगी बाउल भर के पूरी खट्टी मीठी वाली। ऐसे तोड़े जाएंगे ये। मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा भैया, छोटा पड़ गया मैं। तो फिलहाल बाल्टी भरते और तब निकलते हैं घर के लिए। तो वो तो हम ले आए सहतूत, पे हम ले आए, और यहाँ से ले जाएंगे हम ये बेरी। कुछ मैंने तोड़ लिया ये, तो उसके साथ मिक्स करने के लिए, तो इनका हो जाएगा फ्लेवर उसके साथ। थोड़ी थोड़ी कच्ची हैं अभी, पूरी पकी नहीं है, लेकिन इनका फ्लेवर ठीक होगा, खट्टी मीठी हो जाएंगी ये, और टेस्ट भी बढ़ जाएगा उसका। तो यहाँ पर चटनी की तैयारी हो रही है, ये बेरी, और इसके साथ हरी मिर्च, लहसुन के पत्ते, पुदीना, धनिया और गुड़ सब जाएगा, और ये भी जाएगा, स्ट्रॉबेरी भी जाएगी। और इसकी चटनी बनेगी मज़ेदार मिक्सी में ग्राइंड करके। ये चटनी हो गई है ये रेडी, ये पूरा बाउल भर गया इसका, और कुछ इस तरह से बनी रखी है ये। तो इसको अब हम रोटी के साथ, चावल के साथ, सब चीज़ में यूज कर सकते हैं। और ये है वीडियो का दूसरा दिन, और आज धूप लगी हुई है, लेकिन कहीं आग लगी होगी तो हल्की हल्की सी धुंध सी लगी हुई है। और कल चटनी बनाने के बाद वीडियो बनाई नहीं, और आज जा रहे हैं हम सुबह सुबह
सिसलडी में। तो सिसलडी ढाबा भी है अपना, भाई लोग का है पर अपना ही समझो। तो अब जा रहे हैं वहाँ, आज काम है नहीं तो आज वहीं रहेंगे। इसमें घर के आलू, तो जिस दिन काम नहीं रहता उस दिन हम ढाबे पे रहते हैं सिसलडी। तो सिसलडी जो ढाबा है वो है डे नाइट। और जो लोग भी घूमने के लिए ताड़केश्वर मंदिर आते हैं तो उनको फ्रंट में ही सबसे फर्स्ट में सिसलडी में डे नाइट ढाबा मिल जाएगा। तो अपनाइए, जब भी आओ वहाँ एकदम स्वादिष्ट खाना मिलेगा चूल्हे का। तो हम जाएंगे बाइक से, गाड़ी खड़ी रहेगी यहाँ पे। ये ठीक से चल रहे, बाइक में थोड़ी हवा कम है फ्रंट वाले टायर पे। तो बाइक के फ्रंट वाले टायर में हवा कम है और मेरे को दोबारा घर जाना पड़ा गाड़ी की चाबी के लिए। तो अब देखते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, बाइक खड़ी कर देंगे। तो भाई तू गया नहीं नीचे, मेरे को बोला तू जा ले क्या। और हमारे घर की खड़ी चढ़ाई ऐसे एकदम से चढ़ाई लगती है। तो ये है हाल इनके, ये जाते नहीं हमें भेज देते हैं। चल खड़ी कैसे थे यार, ये देखिए ली जोल, ये देखिए ले जोल। ऐसे हाल होते हैं गाड़ियों के ऐसी रोडों पे। ये तो फिलहाल सी हिसाब से ये कपड़ा नहीं मारूंगा, आगे जाके पानी डालूंगा इसमें, क्योंकि थोड़ा आगे जाके पानी है सोली गांव के पास। तो जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ हमारी इस YouTube फैमिली में, तो मेरे गांव का नाम है पुणजोली, जो कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के लैंसडाउन में पड़ता है। लैंसडाउन से मात्र 15 किलोमीटर है हमारा गांव और ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो रोड की हालत बद से बदतर होती जा रही है हमारे यहाँ की, और अब थकान सी लगती है इस रोड पे गाड़ी चलाने में। यहाँ पे डालते थोड़ा गाड़ी में पानी, पानी सूख गया बहुत है, इतना पानी हमारे लिए हो जाएगा, ऐसा करना पड़ता है पहाड़ों में। तो गाड़ी पानी डाल दिया हमने गाड़ी में और अब चल रहे हैं हम यहाँ से सिसलडी के लिए जवाब। तो आपकी बार बारिश हुई नहीं बता रखी थी, लेकिन बारिश तो हुई नहीं और गर्मी होती जा रही है। लेकिन अच्छी बात है कि फिलहाल यहाँ पे सुबह शाम थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। तो ये है डे नाइट ढाबा और आप दिन भर हम यहीं पर रहेंगे। तो यहाँ पे खाना बनके तैयार हो गया और ये है चूल्हा और ये बन रही है कड़ी। तो कड़ी अभी बनी रही है, ये हमने ऐसे ही रखी हुई है बनने के लिए, छोड़ रखी है। और ये सारा खाना बाकी बन चुका है और इसी चूल्हे पे ये खाना तैयार हुआ है। तो सिसलडी में यह है डे नाइट ढाबा, और जब भी आप ताड़केश्वर धाम आए तो आप यहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब कर सकते हैं और यहाँ पे फास्ट फूड भी अवेलेबल है। इसे सिसलडी मार्केट के फर्स्ट में पड़ता है कोड़दार साइड को।